दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको YouTube के लेटेस्ट अपडेट इंड स्क्रीन के बारे में बताने वाला हूं, जो कि YouTube की तरफ से आया है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप वीडियो अपलोड करते होंगे तो आपको इंड स्क्रीन के बारे में पता होगा, उसकी क्या वैल्यू होती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपके यूट्यूब चैनल पर और क्या ग्रोथ होती है आपके चैनल की, कि उससे क्या होता है। जैसे कि आपने वीडियो पर आप इंड स्क्रीन में कोई भी वीडियो सजेशन में लगाते हैं तो वहाँ पर जब कोई व्यूवर आपके चैनल पर आता है और आपका जो वीडियो देखता है उसके बाद जब आपके इंड स्क्रीन पर पहुँचता है तो वहाँ पर आपको इंड स्क्रीन में जो आपने वीडियो लगा रखे हैं या जो भी लिंक दे रखा है चैनल सब्सक्राइब का, जो भी आपने दे रखा है, तो वहाँ पर जब जाता है बंदा तो वहाँ से आपके वीडियोज़ वगैरह देखता है और वहाँ से सब्सक्राइब भी करता है और साथ ही साथ आपके जो व्यूज़ बढ़ते हैं और यहाँ पर इंड स्क्रीन से आपके वीडियो को बेनिफिट पहुँचता है। फ्रेंड कुछ इंड स्क्रीन का यही रोल होता है, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो फ्रेंड अभी तक आप जो इंड स्क्रीन में वीडियो लगाते थे उसके लिए आपको एक एक करके वीडियो सेलेक्ट करके लगाना पड़ता था और आपको चाहे प्लेलिस्ट लगानी हो या वीडियो या चैनल का आपका सब्सक्राइब लिंक लगाना हो तो इसके लिए आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ता था। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हैं, आपने अगर पहले से ही भी किसी भी वीडियो पर ऑलरेडी यहाँ पर आपने इंड स्क्रीन में वीडियो लगा रखे हैं और आपको पता है कि आपको वही फिर से दोबारा से आपको वही वीडियो अपने इंड स्क्रीन में सिलेक्ट करके लगाने हैं, तो आपको यहाँ पर यूट्यूब ने एक नया जो अपडेट दिया है वहाँ से आप डायरेक्टली इम्पोर्ट फ्रॉम वीडियो, तो आप डायरेक्टली वहाँ से जब क्लिक करेंगे तो जो भी आपके उस वीडियो पर लगे हुए जो इंड स्क्रीन में वीडियोज़ हैं जो भी लिंक है वो ऑटोमेटिकली आपके इस वीडियो पर इम्पोर्ट हो जाएंगे और उस पर भी रहेंगे और इसके बाद इस पर भी सेम काम करेंगे। उसके बाद जो भी कोई आपका वीडियो देखेगा तो वहाँ पर तो वो आपके इस वीडियो लिंक के द्वारा डायरेक्टली आपके उस वीडियो पर जा पाएगा और डायरेक्टली वहाँ से वीडियो देख पाएगा। अगर आप यहाँ पर कोई वीडियो बताते हैं जैसे कि आपने इंड स्क्रीन में दे रखा है तो इस तरह से आप वीडियो को बता सकते हैं और लगा भी सकते हैं और डायरेक्टली वहाँ से देख लेगा। वैसे तो आप आई कार्ड का भी यूज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आप अपने वीडियो का लिंक दे सकते हैं, लेकिन इंड स्क्रीन से क्या होता है जब कोई आपका वीडियो पूरा देखता है तो डायरेक्टली वहाँ पर उसको दिख जाता है और वो डायरेक्टली चला जाता है, चाहे आपने वहाँ पर प्लेलिस्ट ऐड कर रखी हो चाहे यहाँ पर आपने वीडियो का लिंक दे रखा हो। तो आप चाहें वहाँ पर अपने सब्सक्राइब का लिंक भी दे सकते हैं, वो चाहें तो आप जैसा चाहें इन पर दे सकते हैं। तो इंड स्क्रीन के लिए कुछ ऐसी ही चीज़ें होती हैं जिनको आप हर यूट्यूबर्स करता है, आप अगर एक यूट्यूबर्स हैं तो इन चीज़ों को आप डीपली समझ सकते हैं कि इंड स्क्रीन का क्या रोल होता है। अगर इंड स्क्रीन आप नहीं लगाएंगे तो उससे क्या है आपके चैनल के व्यूज़ पर भी फ़र्क पड़ता है, साथ ही आपके जो सब्सक्राइब और जो भी चीज़ें होती हैं यूट्यूब से रिलेटिव जुड़ी हुई उन चीज़ों पर फ़र्क आता है। इससे आपके अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो आपको पता होगा कि 1000 सब्सक्राइब गेन करने में और 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करने में कितनी मेहनत लगती है। तो आप ये चीज़ें जब करेंगे तो इनसे आपका सब्सक्राइब तो पूरे जल्दी होंगे और साथ ही आपका जो वॉच टाइम है वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो पाएगा। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि नए यूट्यूबर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं जिनका यूज करके वो जल्दी इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो इससे रिलेटिव मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं जो कि मेरे आपको आई कार्ड में भी मिल जाएंगे और उसको आप इंड स्क्रीन में भी देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया। तो इंड स्क्रीन का यही रोल होता है, तो इससे रिलेटिव आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर आपको मेरे और बहुत सारे वीडियो उस इंड स्क्रीन में जो प्ले लिस्ट का मैं लिंक दूंगा वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड इन चीज़ों का जब आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो यूट्यूब के अपडेट्स हैं वो लगातार आते रहते हैं, यहाँ पर आपको नए से नए अपडेट्स मिलते रहते हैं। जहाँ पर हाल ही में जब यूट्यूब का अपडेट आया था वहाँ पर उसने कई सारे यहाँ पर चेंजेस किए थे, तो इसी तरह से यहाँ पर अगर आप किसी भी पॉलिसी के बारे में या गाइडलाइन जो भी होती हैं यूट्यूब की तो आपको पढ़ते रहना चाहिए, वहाँ से आपको पता चलता रहता है यहाँ पर क्या चेंज आया है। तो जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर अगर आप एक मोनेटाइजेशन कर रखा है अपने अपने चैनल पर अनेबल और आपको मोनेटाइजेशन अप्रूव्ड हो चुका है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो एक यूट्यूब की तरफ से नया यहाँ पर एक आइकन आया है। फ्रेंड अगर आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं तो जब वीडियो आप अपलोड कर देते हो उसके बाद जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जब ऑन कर देते हैं मोनेटाइजेशन के लिए तो यहाँ पर अब क्या है जो यूट्यूब ने अपडेट्स दिया है, अगर आपके पास आया हो लेकिन हर किसी के पास अभी ये अपडेट्स नहीं है तो उसमें उसने ऐसा गेट दिया है जो आइकन दिया है उस पर डायरेक्टली आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले क्या होता था जब हम यूट्यूब पर अपने वीडियो को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते थे तो उसके बाद किसी वीडियो पर कुछ टाइम लगता था वहाँ पर ऑन होने के लिए मोनेटाइजेशन, लेकिन अभी उसने शॉर्टकट दिया है, वहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे दिए हैं। अगर आपने उस कंटेंट में जो आप वीडियो शूट कर रहे हैं वहाँ पर आपने कुछ ऐसा यूज़ किया आपने वीडियो के अंदर कॉपीराइट से रिलेटिव या कोई भी आप हार्मफुल वगैरह या लैंग्वेज से रिलेटिव कुछ भी यूज़ किया है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो में क्या यूज किया है। तो ऐसा ही कुछ मोनेटाइजेशन के लिए यहाँ पर अपडेट्स दिया था। तो ऐसे ही जैसे कि इंड स्क्रीन का जो अपडेट्स है तो ऐसे ही अपडेट्स बार बार आते रहते हैं, तो यहाँ पर यूट्यूब की गाइडलाइंस है जो एल्गोरिदम है वो बार बार चेंज होता रहता है, तो इसमें कुछ ना कुछ आपको नया देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अभी अपडेट डैशबोर्ड की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो डैशबोर्ड का आपको बड़ा अपडेट्स देखने के लिए मिला था यहाँ पर उसने काफ़ी एक बेटा वर्जन में अपना चेंज किया था, यहाँ पर आपको एडवांस फीचर भी देखने के लिए मिल गए थे। तो कुछ इस तरह
तरह के यहाँ पर अपडेट्स आते रहते हैं। तो फ्रेंड चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। और फ्रेंड आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, जो नए यूट्यूबर्स हैं उनको भी हेल्प मिलेगी। और अगर आप आना चाहते हैं यूट्यूब पर तो आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड कुछ और भी वीडियोज़ बनाऊँ तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।